प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अ लोगों को शिक्षा से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को उन्नति से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को इम्प्रूवमेंट से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को साइंस से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को रिस्पेक्ट से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को ऑप्टिमिज्म से मतलब नहीं है, क्रिटिसिज्म से मतलब है। हर वक्त दिमाग में जिहाद एंटर किया हुआ रहता है, हर वक्त जन्नत में 72 वर्जिन हूरे ढूंढते रहते हैं। तो दिस इज नॉट ओनली पाकिस्तान, आज ईरान की सारे के सारे मस्जिदें खाली हो रही हैं, क्योंकि इतना मेल डोमिनेटेड वो कंट्री बन चुका है कि अब ईरान की महिलाएं रोड पर आ गई हैं कि नहीं हमने नहीं पहनना हिजाब, तुम हमारे हिजाब और बुरके को छोड़ करके तुम कुछ और देखो भाई, ईरान की तरक्की देखो, तुम हमारे ऊपर कितनी देर निगाह रखे रहोगे। लेकिन ये जो देश है जो आईमैक कॉरिडोर में आ रहे हैं, जो G7 में आ रहे हैं, जो G20 में आ रहे हैं, ये औरत के हिजाब और चोली और लहंगा पर इनकी नजर नहीं होती है, इनके ऊपर देश की तरक्की की नजर होती है, इनके ऊपर इनके इनके दिमाग में बायलेटरल और ट्रेड के रिलेशन के की नजर होती है, इनके दिमाग में GDP उनका कितना आगे बढ़ रहा है उसकी नजर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे भारत के बढ़ते हुए दबदबे ने चीन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट के वकील नाज़िया अली खान जी का बड़ा ही बेबाक और दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद जय भारत। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को शिक्षा से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को उन्नति से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को इम्प्रूवमेंट से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को साइंस से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को रिस्पेक्ट से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को ऑप्टिमिज्म से मतलब नहीं है, क्रिटिसिज्म से मतलब है। हर वक्त दिमाग में जिहाद एंटर किया हुआ रहता है, हर वक्त जन्नत में 72 वर्जिन हूरे ढूंढते रहते हैं। तो दिस इज नॉट ओनली पाकिस्तान, आज ईरान की सारे के सारे मस्जिदें खाली हो रही हैं, क्योंकि इतना मेल डोमिनेटेड वो कंट्री बन चुका है कि अब ईरान की महिलाएं रोड पर आ गई हैं कि नहीं हमने नहीं पहनना हिजाब, तुम हमारे हिजाब और बुरके को छोड़ करके तुम कुछ और देखो भाई, ईरान की तरक्की देखो, तुम हमारे ऊपर कितनी देर निगाह रखे रहोगे। लेकिन ये जो देश है जो आईमैक कॉरिडोर में आ रहे हैं, जो G7 में आ रहे हैं, जो G20 में आ रहे हैं, ये औरत के हिजाब और चोली और लहंगा पर इनकी नजर नहीं होती है, इनके ऊपर देश की तरक्की की नजर होती है, इनके ऊपर इनके इनके दिमाग में बायलेटरल और ट्रेड के रिलेशन के की नजर होती है, इनके दिमाग में GDP उनका कितना आगे बढ़ रहा है उसकी नजर होती है, इनके दिमाग में हमारा डिफेंस कितना आगे बढ़ रहा है उसकी नजर होती है, इनके दिमाग में हमारी आर्मी कितनी सक्षम है उसकी नजर होती है। तो ये ऐसे ही जो तरक्की याफ्ता दिमाग के लोग होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो वाकई में एक बहुत खूबसूरत निर्णय भी आता है और उन देशों की तरक्की भी होती है। अभी मैं आपको एक और बात बता सकती हूँ कि जिस हिसाब से मिलोनी जी ने एकदम बजाफते स्टेटमेंट दे डाला और ऑफिशियल स्टेटमेंट दे डाला, अभी इस पर मुझे लगता है कि मैं और आप पहला शो कर रहे हैं, इस शो के बाद बहुत सारे शो होंगे, पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो जा करके पब्लिक रिव्यू भी लेंगी, उसके बाद फिर रोड शो भी होगा ये सुनने देखने के बाद। लेकिन आपकी तरक्की इसमें नहीं है, क्योंकि ये देश ऑलरेडी तरक्की याफ्ता है, जो G7 में आ रहा है ये ऑलरेडी तरक्की की तरफ अपने रडार और फोकस को कर चुका है, ये ऑलरेडी ये G20 में जितने देश आ रहे हैं ये ऑलरेडी अपने अपना फोकस और अपना रडार एकदम स्ट्रेट रखे हैं कि हमें अपने देश को तरक्की देना है। अब बात लेकिन आप ये कन्फ्रंटेशन और पब्लिक रिव्यू से पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं होने वाली है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि अगर वाकई में मुसलमानों को वेस्टर्न कल्चर से प्रॉब्लम है या हिंदू कल्चर से प्रॉब्लम है तो रहते क्यों हैं आप? मैं उन मुसलमानों को भी बोल रही हूँ जो भारत में रह रहे हैं, जिनको हिंदू कल्चर से प्रॉब्लम है, हिंदुओं के रिचुअल से, उनकी आस्था से, उनकी श्रद्धा से प्रॉब्लम है, या वेस्टर्न कल्चर से प्रॉब्लम है, तो मत जाओ ना आप अमेरिका। आपके यहाँ तो हर तीसरा आदमी बोलता है मैंने तो अमेरिका जाना है, फिर क्यों जाते हो? मत जाओ, आप UAE जाओ, आप कतर जाओ, आप ईरान जाओ, आप तुर्की जाओ, आप यहाँ जाओ ना, आपको तो बिल्कुल भी
वेस्टर्न की वेस्ट की तरफ आपको आपको मूव ही नहीं करना चाहिए और भारत की तरफ आपको मूव ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो कड़वाहट उगलोगे, आप भी कंफर्टेबल नहीं हो और यहाँ के लोग भी कंफर्टेबल नहीं है, तो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन नहीं, अमेरिका नहीं जाएंगे तो तरक्की कैसे करेंगे, भारत नहीं आएंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। आज सारी लड़कियां पाकिस्तान की देखो भाग भाग करके भारत चली आ रही है, जो जा रही है वो भी लौट करके आ जा रही है। अभी 3 दिन 5 दिन पहले जावेरिया नाम की खैबर पख्तूनख्वा की भाग चली आई है कि भाई यहाँ के लड़के से शादी करेगी। तो ये चीजें ये दर्शाता है कि आप लोग मुंह खोल कर नहीं बोल पाते हो, पर आपके मन में ये जो सफोकेशन है, जो इस्लाम का सफोकेशन है, वो कहीं ना कहीं आपका दम घुटा रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है। चाइना से अमेरिका का बहुत गहरा संबंध पहले भी हुआ था जब ट्रंप की सरकार अमेरिका में चल रही थी, तो वो और फिर ट्रंप ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कह भी दिया कि उनसे गलती हुई है, तो वो आप दिखा भी देना। तो जब उन्होंने चाइना से, जैसे ही जो बाइडेन साहब आए वैसे ही चाइना से पहले उन्होंने दूरी बनाई, पाकिस्तान से यूएई का बोलो आप या अमेरिका का बोलो, अब तो इटली का भी, तो लगभग सारे देश का पाकिस्तान से भी रिलेशन बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। तो अभी ये जो 21st सेंचुरी का विजन है, वन अर्थ वन फैमिली का, वो विजन टेररिज्म का नहीं है, वो विजन तरक्की करने का है, वो विजन अपने देश को तरक्की याफ्ता बनाने का है, डिफेंस में स्ट्रॉन्ग बनाने का है। एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि लोग उन कंट्रीज को बॉयकॉट कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान को, जहां लोग बम मारने में और गला रेतने में और खूनी खेल खेलने पर ज्यादा विश्वास करते हैं और बायलेटरल और ट्रेड स्मूथ रिलेशन पर विश्वास नहीं करते। चाइना में भी तो कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया की अभी यूज की जा रही है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान तो वैसे भी दोस्ती है, लेकिन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स नहीं है इतनी, जहां के हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। और अभी देखे ना, शी जिनपिंग को एक धचका तो लगा होगा, भाई इटली ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करके वो भी इंडिया के साथ चले गए जो कि उसकी टक्कर में ही है, और अमेरिका वो जो बाइडेन उठ के आते हैं और कहते हैं जी मोदी जी तो वो तो शी जिनपिंग बुखला रहे होंगे। हमारे भारत में 9 साल पहले एक प्लास्टिक का बोतल लीजिए या मोबाइल फोन लीजिए, चाइना का ही गोल बिक रहा था। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी। मुझे एकदम सच बोलने की जो एक बहुत बुरी बीमारी है ना, जिसकी वजह से मैं काफी मुसलमानों की गालियां भी सुनती हूँ, वाकई में 9 साल पहले एक प्लास्टिक का बॉटल ले लो, मग ले लो, या चाइना के क्रॉकरी सेट्स ले लो, मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी शॉपिंग भी चाइना के ही बनाए हुए चीजों की हमारे भारत में होती थी। पर जिस तरह से पिछले 9 साल से हमारे भारत में एक नई, एक ऐसी ब्लेसिंग वाली और भगवान राम के अवतार वाली सरकार आई, वैसे ही जैसे मानो जैसे चाइना के प्रोडक्ट को लोगों ने थूक दिया, एक प्लास्टिक का बॉटल भी अब हमारे यहाँ चाइना का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन हम लोग यूज कर रहे हैं दिस काइंड ऑफ बॉटल्स जो हमारे यहाँ भारत की फैक्ट्रीज में बन रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पॉलिथीन अब यूज नहीं होता है, मतलब केरी बैग जो यूज होता है वो पॉलिथीन नहीं यूज होता है, वो बांस के ठोंगे यूज होते हैं। आप कितना ही सामान ले लो, या तो वो जूट का बैग होता है या बांस का ठोंगा होता है, तो वो भी मेड इन इंडिया होता है, मेड इन भारत होता है, क्योंकि बांस की पैदावार सबसे ज्यादा भारत में है, जूट की पैदावार सबसे ज्यादा भारत में है, जूट का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा भारत में होता है, तो बैम्बू का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा भारत में होता है, तांत की साड़ियां भारत से सब जगह जाती है। तो हर वो चीज को इम्प्रूव किया गया, खूबसूरत किया गया और लोग उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो अभी क्या हो गया है कि आपका, आपके देश का प्रॉब्लम ये है कि मुंह खाता है तो आंख लग जाता है, तो आप चाइना का खा रहे हैं इसलिए आपकी आंख लग जा रही है, और वो इस्लाम को भी अपने तलवे से कुचल रहा है, बेहुर्मती कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, फिर भी आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। अब क्योंकि हमें अपनी सरकार पे 9 साल में इतना ज्यादा विश्वास हो चुका है और हैशटैग मोदी गारंटी का इतना ज्यादा ट्रस्ट हो चुका है कि हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मोदी जी ने एक बात कह दी है तो हम उस पर ब्लाइंड फेथ करने लगे हैं, और ऐसे वो ब्लाइंड फेथ नहीं आया है, 9 साल में उन्होंने अपने कार्य में बताया है,
9 साल में उन्होंने ये विश्वास अपने जनता से जीती है, अपने देशवासियों से जीता है, कि उन्होंने जितनी भी बातें मुंह से निकाली है वो उन्होंने करके दिखाया है। तो उसी तरीके से जब मेड इन इंडिया के सामान पर हमारा विश्वास बना, तो अब क्या हो गया है कि अब भारत के प्रधानमंत्री जिस बात को भी बोलते हैं हमारा विश्वास होता है और वो होता भी है। तो हमें किसी भी देश को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब धीरे धीरे इटली बोल लो आप, यूएई बोल लो आप, अमेरिका बोल लो आप, इंडोनेशिया बोल लो आप, कहीं पर भी चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे हैं, कहीं पर भी नहीं चल रहे हैं, सब जगह इंडिया के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। मेड इन इंडिया हर चीजें, हर जगह मेड इन इंडिया दिखाई दे रही है। तो भारत ने चाइना को बहुत जबरदस्त टक्कर दिया है और ऐसा आकर खड़ा हुआ है कि 25 साल के बाद ऑलमोस्ट मोर और लेस, आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 25 साल के बाद चाइना का जीडीपी ऐसा फॉल किया, ऐसा फॉल किया कि चाइना ने इमीडिएट रातों रात अपने अपना अपना अपने कोर की मीटिंग की और पूछा है कि भाई इसको कैसे दुरुस्त करना पड़ेगा, कैसे ठीक करना पड़ेगा। अभी हमारे भारत में दिवाली हुई थी और दिवाली में सबसे ज्यादा चाइना के प्रोडक्ट्स बिक्री होते थे, वो सब जग की थक रखी रह गई उनके पास और हमारा मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट्स बिका और एक मतलब गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला प्रोडक्ट बिका है। बिल्कुल, पटाखे वगैरह भी उधर से आते थे ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें इन्होंने बात की भारत के बढ़ते हुए दबदबे की। अगर बात करें भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी की, इसके तो दुश्मन भी तारीफ करते हैं, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री और इटली की प्रधानमंत्री मिलोने की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल की है। थोड़े दिन पहले इनकी एक सेल्फी भी वायरल हुई थी और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि इटली ने चाइना के BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव को छोड़ दिया है और भारत के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी बात है और ये दिखाता है और दर्शाता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही कमाल काम कर रही है। इसके लिए हमें शुक्रिया करना चाहिए डॉक्टर SJ Shankar का। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।